प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। आज की कहानी सकारात्मक सोच की कहानी है। कहानी का शीर्षक है ध्यान का रहस्य। एक बार की बात है, एक युवक ने ध्यान की बड़ी महिमा सुनी। उसने सुना कि ध्यान करने से मस्तिष्क की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अतः उसने ध्यान की विधि सीखने की ठान ली। ध्यान की विधि सीखने की इच्छा से वह एक योगी जी के पास पहुंच गया। युवक योगी जी से बोला, गुरुजी मुझे ध्यान की विद्या सिखा दो। योगी जी बोले, अच्छा सिखा दूंगा, पहले ये बताओ कि तुम्हें कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। युवक बोला, मुझे गाय और बंदर अच्छे लगते हैं। योगी बोले, कोई एक चुन लो। अब वो फंस गया, कभी गाय को सोचता है कभी बंदर को सोचता है। वो सोच ही रहा था, काफ़ी देर हो गई। तब योगी बोले, तू गाय का ध्यान करना, बंदर का मत करना। युवक घर गया और रोज ध्यान का अभ्यास करने लगा, लेकिन एक समस्या हो गई। वह जितना बंदर का ध्यान नहीं करने की कोशिश करता, उतना ही बंदर उसके ध्यान में आता था। वह परेशान हो गया, गाय तो उसके ध्यान में टिकती नहीं, बंदर ही बंदर आता रहा। 4-5 दिन बाद वह फिर से योगी जी के पास गया और बोला, गुरुजी एक दुविधा है, जितना मैं बंदर का ध्यान नहीं करने की कोशिश करता हूँ, उतना ही बंदर मेरे ध्यान में आता है, गाय तो टिकती ही नहीं। योगी जी मुस्कुराते हुए बोले, तूने मेरी बात के विध्यात्मक पक्ष को पकड़ने की बजाय नकारात्मक पक्ष को पकड़ लिया। अगर तू गाय का ध्यान करता है इस बात को पकड़ लेता तो गाय का ध्यान ही करता, लेकिन तूने बंदर का ध्यान नहीं करना इस बात को पकड़ लिया, इसलिए केवल बंदर का ध्यान ही आया। अब युवक को योगी की बात समझ आ गई और वह फिर से ध्यान लगाने का प्रयत्न करने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, यदि आप अपने जीवन में किसी कार्य को पूरा करना चाहते हैं तो अपना पूरा ध्यान उस कार्य पर लगाओ, तभी आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति होगी। एक अन्य कहानी के साथ फिर मिलती हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।